Hello everyone, welcome to Education Point. Today we will discuss about resting potential and action potential. Resting potential, बच्चों वो है जब आपकी nerve resting stage में है. बाहर से कुछ stimulus मिला नहीं है इसको. Stimulus just like a pinch कर दिया मैंने. Temperature, ठीक है, pressure, कुछ भी applicable substance को हम stimulus कहते हैं. ठीक है. तो जब नहीं मिला है वो कंडीशन रेस्टिंग पोटेंशियल होती है. के न्यूरॉन्स के एक्सॉन वाले पार्ट में चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. इन चैनल में एक मोस्ट कॉमन चैनल है बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि ऑलवेज ओपन रहता है. सोडियम पोटेशियम पंप इवन रेस्टिंग स्टेज में भी चल रहा होता है. जब आप सो रहे हो, कुछ नर्व एक्टिव नहीं है, फिर भी आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं. मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं आपकी बॉडी में. तो वहां पे 3 सोडियम के आयंस बाहर जा रहे होते हैं और 2 सोडियम आयन अंदर आ रहे होते हैं. ओके, जब इसको थ्रेशोल्ड मिल जाता है, थ्रेशोल्ड दैट मींस इज अ स्टिमुलस. जब स्टिमुलस मिल जाएगा तब बाकी के चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जस्ट लाइक अ वोल्टेज चैनल. के वोल्टेज गेटेड चैनल बोला जाता है इनको. हल्का सा भी वोल्टेज में वेरिएशंस आया, ये जस्ट ओपन हो जाते हैं. के जिसमें सोडियम आयन वाले चैनल पहले ओपन होंगे. सोडियम आयन वाले चैनल ही आपकी नर्व को पोलराइजेशन स्टेज से डीपोलराइजेशन स्टेज में पहुंचाते हैं, यानी कि रेस्टिंग स्टेज से एक्शन वाले स्टेज में पहुंचाते हैं. के तो डिफरेंसेस देखेंगे यहाँ पे. इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल difference across a resting axon membrane. Okay, it is the electrical potential across a resting axon membrane. जब कोई stimulus नहीं है, जब rest में है axon की membrane, तब जो potential generate हो रहा है उसको resting potential बोलेंगे. This one, it is the potential difference across a axon, stimulus axon membrane. Okay, जब स्टिमुलस मिल चुका है, ठीक है, एक्सॉन मेम्ब्रेन को, तो उसमें जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा उसको एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे. यस, एक्सोप्लाज्म इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. यस बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे. ये एक एक्सोलेमा है आपके एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं. अंदर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. ड्यू टू 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे, तो अंदर नेगेटिविटी क्रॉस कॉज हो जाती है. ऊपर से मैंने आपको यह भी बताया है कि नेगेटिव आयन प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एक्सोप्लाज्म में, तो अंदर जनरेट एक्शन पोटेंशियल नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव है. यस, तो ये बात याद रखेंगे. एक्सोप्लाज्म इलेक्ट्रोनेगेटिवली इंटीरियरली और इनर साइड ऑफ एक्सोप्लाज्म. यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट कर दो बेटा. एक्सटीरियरली इज नेगेटिव, इनसाइड इज द पॉजिटिव. ओके, क्योंकि सोडियम पंप ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज में जरा सा भी वेरिएशन आया, स्टिमुलस मिला और सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे. सोडियम चैनल ओपन होने से झट से सारे सोडियम्स अंदर आने लगेंगे और बढ़ जाएगा, अंदर का पार्ट नेगेटिव हो जाएगा एंड अचीव अ डीपोलराइजेशन स्टेज. यस, and the membrane is more permeable to potassium ion. जब polarization की stage है, यानी कि जब resting stage है, उस time पे क्या आ रहे हैं अंदर? बहुत सारे potassium ion आ रहे हैं अंदर, ठीक है? Potassium ion से भरा पड़ा है, that means कि ये potassium ions, ठीक है? Potassium ions जो है वो कब आ रहे हैं? Resting potential करने के लिए. याद रखेंगे, यहां पे सोडियम आइंस अंदर आएंगे. सोडियम आइंस इज मोर परमिएबल देन द पोटेशियम आइन. जैसे ही थ्रेशोल्ड मिला, मैंने आपको पहले भी बताया कि सोडियम वाले चैनल खुल जाएंगे. एंड एन एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेटिव. सोडियम पोटेशियम पंप चलता ही रहेगा. मेरी फर्स्ट लाइन ही यही थी बच्चों की, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहता है. कब? जब हम सो भी रहे होते हैं, जब हमारी नर्व रेस्ट में है, कोई स्टिमुलस नहीं भी मिला है, फिर भी सोडियम पोटेशियम का पंप ओपन रहेगा. एंड हियर सोडियम पोटेशियम पंप एक्चुअली ओपन भी होते हैं, लेकिन इस पॉइंट को ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं.
ओके तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए आपको वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करना होगा, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं जैसे ही उनको थोड़ा सा भी थ्रेशोल्ड मिलता है, वोल्टेज में वेरिएशंस आते हैं तो ये खुद ही ओपन हो जाते हैं। ओके तो एक्शन पोटेंशियल के लिए अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए बेटा, तो मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है जिसमें सारे गेटेड चैनल के नाम मैंने आपको बताए हैं, प्लस कैसे कैसे ग्राफ बनेगा, ओके मैकेनिकल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कैसे स्टिमुलस मिलेगा, कैसे कैसे वैल्यू आगे बढ़ेगी, तो उसके लिए आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं।